खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मॉनसून में आज बहुत तेज हलचल है, उसी रफ्तार से हम मेघदूत आया के जरिए पहुंचा रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई हर जानकारी। मॉनसून अभी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बरस रहा है, इसके अगले 24 घंटे में गोवा और कोंकण पहुंचने की उम्मीद है। मॉनसून लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो हम आपको तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे हैं किस तरीके से मॉनसून जो है लगातार तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ। और ये देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से मॉनसून जो है वो आगे की ओर लगातार बढ़ता हुआ, गोवा और कोंकण की ओर बढ़ता हुआ मॉनसून। मॉनसून की बारिश आज कहां होगी और कल कहां कहां तेज बारिश हुई, अब आपको ये बता देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, लगातार हम बता रहे हैं कि मॉनसून जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एबीपी न्यूज की टीम भी लगातार मॉनसून को फॉलो करते हुए आगे आगे बढ़ती जा रही है। और अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कल कहां कहां तेज बारिश हुई और आज कहां बारिश होने वाली है। हम आपको लगातार बताते हैं कि किस तरीके से जो मॉनसून है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाएंगे। मॉनसून का इंतजार बहुत सारे मैदानी इलाकों में अब भी किया जा रहा है। देखिए, अब तक बारिश के बारे में अगर आपको बताएं तो सामान्य से 45% कम ही मॉनसून जो है, बारिश जो है वो अभी तक दर्ज की गई है। सामान्य से 45% कम बारिश जो है वो अब तक दर्ज की गई है। अब आपको बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो बारिश है उसके क्या आंकड़े हैं, अब तक कितनी बारिश हुई है, मॉनसून का कहां कहां इंतजार किया जा रहा है, कहां कहां तेज बारिश हुई, कहां कहां तेज बारिश होने वाली है। लगातार मॉनसून का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अलग अलग इलाकों से हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्मी का प्रकोप जारी है। खासतौर पर अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, राजस्थान की, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर जो है गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मॉनसून का। लेकिन जो खबरें हमें मिली उसके मुताबिक अभी दिल्ली वालों को लंबा इंतजार करना होगा। गुजरात, हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर वायु चक्रवात की जो है वो खबरें लगातार आ रही हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है वायु चक्रवात को लेकर। और हम लगातार आपको बता रहे हैं मॉनसून के मुंबई और गुजरात से पहले यहां देने वाला वायु नाम का तूफान दस्तक देने वाला है। वायु तूफान कल तक गुजरात के समंदर से टकराएगा। पोरबंदर, जामनगर, द्वारका, मोरबी, वेरावल और राजकोट में वायु तूफान से निपटने के लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 2 दर्जन टीमें गुजरात में तैनात हैं। कल राज्य के सीएम विजय रूपाणी ने आपात बैठक कर सभी जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायु तूफान के चलते गुजरात में सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। और ये तस्वीरें गुजरात की है जहां पर चक्रवाती तूफान वायु को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। 115 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये वायु तूफान आ सकता है। कई इलाकों में तेज बारिश भी इसके चलते हो सकती है और ऐसे में गुजरात सरकार ने एहतियातन हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वायु तूफान अभी कहां तक पहुंचा है और इसका गुजरात में कितना खतरा बना हुआ है, बता रहे हैं पोरबंदर में मौजूद हमारे संवाददाता दीक्षित ठकरा। चक्रवात वायु आज देर रात को ही गुजरात के समुद्र तट पर दस्तक देने वाला है और उसके ओर लेकर ही गुजरात सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है और तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को अगले कुछ दिनों के में ही समुद्र में न जाने की सूचना भी दी गई है। अरब सागर में हवा के कम दबाव की स्थिति गहराने के कारण ये चक्रवात है वो उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर ही प्रशासन भी सज है। और पोरबंदर का समुद्र किनारा है जिसमें भी अभी भी जो करंट है वो दिख रहा है। और महत्वपूर्ण बात है कि आज देर रात को ही जो साइक्लोन है, वायु साइक्लोन है, वो गुजरात के और खास सौराष्ट्र के समुद्र पर टकराएगा। पोरबंदर है, वेरावल है, सोमनाथ है, इसे अलग अलग जगह पर ये साइक्लोन है वो यहाँ टकराने वाला है, उसको लेकर ही पोरबंदर समेत सारे प्रशासन ने तैयारियां भी की है। अलग अलग जगह है जहाँ पे जो लोग इससे प्रभावित होंगे उसको अलग जगह पर ट्रांसफर करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। और एनडीआरएफ की अलग अलग टीम है वो भी सारे इलाके में
पहुंच चुकी है। तो महत्वपूर्ण बात है कि जो साइक्लोन है वो आने वाला है, उससे पहले ही सारी तैयारियां यहाँ के प्रशासन ने कर दी है और एनजीओ को भी फूड पैकेट्स बनाने की सूचना दी गई है, क्योंकि आज देर रात को ये साइक्लोन है वो गुजरात के समुद्र में टकराएगा, उसके बाद भारी बारिश भी शुरू हो सकती है। उससे पहले ही यहाँ के प्रशासन ने सारी कामगिरियां है वो अभी से ही शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन पीयूष लेवा के साथ दीक्षित ठकरार, एबीपी न्यूज, पोरबंदर। तो केवल गुजरात ही ऐसा राज्य नहीं है जहां पर वायु तूफान को लेकर डर बना हुआ है, गोवा भी उन राज्यों में शामिल है। ये उत्तर पश्चिम की तरफ से गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये तूफान गोवा से करीब 250 किलोमीटर दूर से गुजरेगा, जिसके चलते 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। गोवा के समंदर तटों को खाली कराया जा रहा है। भारत में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का पसंदीदा स्थल गोवा होता है। गोवा में जो आज़ादी मिलती है, गोवा का जो खुशनुमा माहौल होता है, गोवा के सुंदर बीचेस के अलावा यहाँ का जो रहन सहन है उसको देखते हुए लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। अमूमन सितंबर से लेकर मई महीने तक गोवा का सीज़न माना जाता है, लेकिन मई के बाद जब बारिश शुरू होती है तो गोवा में इसे ऑफ सीज़न कहा जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बारिश के सीजन को ऑफ सीजन नहीं कहते हुए पर्यटकों को इस सीजन में भी गोवा लाया जाए। जो चक्रवात तैयार हुआ है लक्षद्वीप के अरब सागर में, वहां चक्रवात वायु का असर गोवा में भी देखने मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश मानसून के पहले यहां दस्तक दे चुकी है। प्री मानसून शार शुरू हुई है और इसीलिए पर्यटक जो है यहाँ समंदर किनारे पहुंच रहे हैं इसका आनंद लेने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दृष्टि यहाँ पर है। मेरे साथ दृष्टि के रवि शंकर जी हैं, जिनकी टीम यहाँ पर है समंदर किनारे। आप बताएं कि ये पर्यटकों को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आनंद लेने जो आते हैं तो शायद उस भावनाओं को लेकर वो थोड़े आगे भी चले जाते हैं। नहीं, भावना को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि दे शुड बी सेफ एंड ऑल्सो एंजॉय गोवा, दैट इज आवर इंटेंशन। किस तरह के इंतजाम किए? अभी इस वक्त पूरे गोवा के बीचेस बंद कर चुके हैं, यानी कि यू कैन नॉट एंटर द वाटर, पानी में जाना मना है। तो सब जगह अभी लाल झंडा चढ़ चुके हैं, इनको हम बोलते हैं नो एंट्री जोन्स, तो रेड फ्लैग्स सब जगह लग चुके हैं। हर बीच पे हमारे जीप्स चलते हैं जो अनाउंसमेंट्स करते जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पीछे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। हमारे 600 लाइफ गार्ड लगे हुए हैं गोवा को कवर करने के लिए। तो देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं गोवा और गुजरात में जहां पर वायु तूफान, वायु चक्रवात का जो है खतरा मंडरा रहा है, वहीं उत्तर भारत को अभी भी गर्मी से राहत का इंतजार है। कहां कहां पर भीषण गर्मी हो रही है और यहां पर अभी जहां पर राहत अभी लोगों को नहीं मिल रही है वो कौन कौन सी जगह है? देखिए, पूर्वी राजस्थान, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य है जहां पर अभी भी भीषण गर्मी की मार लोगों को पड़ रही है, जहां पर आंधी भी आ सकती है और कुछ हद तक राहत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी का प्रकोप लोगों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। उत्तर भारत में हालांकि अभी गर्मी से देखिए राहत तो नहीं मिली है, लेकिन प्री मॉनसून की फुहारों ने जम्मू में मौसम सुहाना कर दिया है। जम्मू में मंगलवार देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, अभी भी रुक रुक कर वहां पर बारिश लगातार जारी है। 45 डिग्री की गर्मी में तप रहे जम्मू को थोड़ी राहत मिली है, जम्मू में मॉनसून ने दस्तक दी है। हम इस समय जम्मू में हैं और आप देख सकते हैं यहां बीती रात बारिश हुई और रुक रुक कर अभी भी यहाँ बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। जम्मू में तापमान की अगर बात करें तो जम्मू में तापमान 45 डिग्री के आसपास था और गर्मी इतनी भीषण थी कि दिन में घर से निकलना नामुमकिन था, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया था, आज दिन भर के लिए मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया था कि आज बारिश होगी और आज दिन भर जम्मू के आसमान पर बादल छाए रहेंगे। कमोवेश वही हुआ है, बीती रात से जम्मू में लगातार बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले तक भी यहाँ जम्मू में तेज़ बारिश हुई है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, जिसके कारण यहाँ जम्मू में लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू के साथ साथ अगर आसपास के ज़िलों की बात करूँ तो उधमपुर, रामबन, डोडा, कठुआ, सब जगह पर जो है मौसम यूं ही सुहाना बना हुआ है। इसी के साथ इसका असर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा मंदिर तक लगातार भीषण गर्मी की चपेट में था और वहां
लोगों का जो यात्रा थी वो मुश्किल हो रही थी क्योंकि वहाँ पर लगातार गर्मी बढ़ रही थी। अब क्योंकि मौसम विभाग ने ये आज दिन भर के लिए ये चेतावनी दी थी, ये अंदेशा जताया था कि आज यहाँ पूरा दिन बारिश होगी, तो वो बारिश हुई है, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं जम्मू में मौसम सुहाना हुआ है। जम्मू में अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लगातार यहाँ पर जम्मू में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्तव एबीपी न्यूज जम्मू। देखिए, गर्मी का सितम कुछ इस तरीके का है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी गर्मी के से राहत पाने के लिए छाया और पानी की तलाश में भटक रहा है। जयपुर के मशहूर गलताजी तीर्थ के आसपास बसे हजारों बंदरों को भी गर्मी और लू की तपिश ने बुरी तरीके से परेशान कर रखा। लंबी सफेद दाढ़ी और साइकिल पर लदे हुए थैले, बस गलता तीर्थ के पास रहने वाले हजारों बंदरों के लिए अपने दोस्त विजय कुमार शर्मा की यही पहचान काफी है। यही है बंदरों के बरसों पुराने दोस्त विजय कुमार शर्मा उर्फ मंकी मैन। विजय को बंदरों का झुंड दूर से ही देख लेता है और फिर देखिए क्या नजारा होता है। कोई बंदर साइकिल के हैंडल पर तो कोई उस पर लदे फलों के थैले पर सवार हो जाता है। ये बंदर विजय को गलता जी के दरवाजे से पहले ही रोक लेते हैं और यहीं से बंदरों के पसंदीदा फल और दूसरी चीजें बांटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विजय पिछले करीब 40 सालों से इसी तरह रोजाना गलता जी तीर्थ के बंदरों को खाने पीने की चीजें खिला रहे हैं। खास बात ये है कि घर में चाहे शादी हो या त्योहार, विजय एक दिन भी गलता जी में आने से नहीं चुके। बरसों से गलता के इन बंदरों के दोस्त बने हुए विजय इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय, आपको मंकी मैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा? कोई गलत नहीं साहब, ये तो क्या वो गॉड गिफ्ट होता है बोलने से। इनकी जिसने सेवा कर ली, इस कलयुग में बालाजी की सेवा कर चुका या कर लिया। ये बताएं विजय, कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? ये 50 वर्ष आ रहे हैं, बचपन का ही शौक मुझे लगा हुआ है। अब टाइम अपन पूरा निकाल देते 40 वर्ष से, कोई हम कोई नांगा नहीं करते हैं, किसी शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, जाते हैं तो वो टाइम पास करके इनका टाइम का खास ध्यान रखते हैं। सिर्फ फल और दूध ब्रेड ही नहीं बल्कि विजय अपने इन बेजुबान दोस्तों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आइसक्रीम और फ्रूट जूस भी देते हैं। बंदर भी विजय को खूब पहचानते हैं, इसलिए उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर उनके हाथों से प्रेम से आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम आप इनको रोजाना खिलाते हैं गर्मी गर्मी में? जैसे पारा 42-45 के ऊपर गया तो आइसक्रीम सॉफ्ट ड्रिंक ली डाली पिला देते हैं। और वैसे इनको आमतौर पर आप, हमने देखा फल दूध ब्रेड वगैरह, ये तो बोल रहे रनिंग आइटम, ये रनिंग दूध ब्रेड तो रनिंग आइटम बारू में। जयपुर के गलताजी इलाके में 3 से 4 हजार बंदर हैं और इनके लिए छाया और पानी का पूरा इंतजाम नहीं है। दोपहर के वक्त ये बंदर पास के नाले और छोटी छोटी छाया वाली जगहों में दुबक जाते हैं। गर्मी के इस माहौल में अगर देखें तो इक्का दुक्का बंदर हैं, लेकिन वो भी अपनी तरफ से छाया ढूंढकर कैसे ना कैसे इस गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस बेतहाशा गर्मी में आप भी इंसानों ही नहीं जानवरों का भी ख्याल रखें और जितना हो सके उन्हें ठंडी चीजें खाने पीने के लिए देते रहें। राजस्थान के जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, गर्मी से क्या इंसान क्या जानवर, हर कोई परेशान है, हर कोई राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। किस तरीके की तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। यहाँ पर जानवर भी जो है वो छाया और पानी के लिए लगातार तरस रहे हैं। बहुत सारे मैदानी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब तक बारिश का इंतजार हो रहा है, हल्की फुहारों का इंतजार हो रहा है, जिससे कुछ हद तक गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। और अब आप आपको बता रहे हैं मानसून अब तक जो है उसके बारे में कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं, किस तरीके की स्थिति जो है वो अब तक है। आपको बता रहे हैं कि वायु तूफान का जो वो खतरा लगातार गुजरात में मंडरा रहा है, गोवा में मंडरा रहा है। मानसून अब तक दिल्ली, पश्चिमी यूपी, जम्मू में ठंडी हवाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा, एमपी, राजस्थान में आंधी जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। और भी क्या कुछ अपडेट है आपको बता देते हैं। केरल, कर्नाटक, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में जो है बारिश हो रही है और कोंकण गोवा की तरफ लगातार मानसून आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से गर्मी से हर कोई परेशान है। और अब हम आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी कुमकुम के पास, जो आपको दिखाएंगे गुजरात में किस तरीके से चक्रवाती तूफान वायु का जो कहर है, जो खतरा है, लोगों पर मंडरा रहा है।